हेलो गाइस, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज आपको प्रिंटर वाले लैब के अंदर आज आपको प्रिंटर दिखाएंगे, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आने वाली होती है, या कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है प्रिंटर रिपेयरिंग करने के अंदर, या कोई और दिक्कत आती है आपको, एरर कोड आते हैं जो आपको पता नहीं चलता, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हो, और ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट में आप विज़िट कर सकते हो। सबसे पहले हम प्रिंटर के अंदर पावर केबल लगा लेते हैं। पावर केबल लगाने के साथ साथ पेपर भी लगा लेते हैं। अब प्रिंटर मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट करने के साथ वो सारे कंप्लीट पार्ट्स को चेक कर रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्प्ले के ऊपर उस चीज़ का आपको एरर दिख जाएगा। अब जो प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है, प्रॉब्लम कलर मिसमैच की प्रॉब्लम आ रही है, इसको हमने एक बार पहले चेक किया था। अब इसको हम दोबारा एक बार चेक करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बंद हो रखा था। तुम सबसे पहले इसको चेक करने के लिए, पेज लगाने के बाद इसका हम अलाइनमेंट पेज निकालते हैं। जो पावर बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ता है, इसको लॉन्ग टाइम प्रेस रखेंगे, साथ में हम कैंसिल बटन को प्रेस करेंगे, फिर हम कैंसिल बटन को छोड़ेंगे, फिर एंड में हम पावर बटन को छोड़ेंगे। अब पावर वाली लाइट जो आपकी वो ब्लिंक करना स्टार्ट करेगी, ब्लिंक करने के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप पेपर इन भी करेगा। अभी आप लाइट देख सकते हो, ब्लिंक हो रही है और पेपर इन हो चुका है। अब कोई भी कलर से रिलेटेड दिक्कत होगी, सियान, मजंटा, येलो, ब्लैक, तो हमको पेपर के ऊपर कंप्लीट पता चल जाएगा। पेपर निकल के आ चुका है। अब उसके बाद आप इसके अंदर देख सकते हो, ब्लैक आपका कंप्लीट प्रिंट आ रहा है, सियान जो हमारा कलर होता है उसके अंदर आपको लाइन दिखेगी हल्की हल्की सी, मजंटा के अंदर भी लाइन है, येलो बहुत ज़्यादा, येलो के अंदर प्रॉब्लम है। तो ब्लैक हमारा कंप्लीट कलर आ रहा है, बाकी इन तीन कलर के अंदर प्रॉब्लम है। साथ साथ आप यहाँ पर छोटे छोटे से बॉक्स में भी देख सकते हो, ये भी आपके अनकम्प्लीट आ रहे हैं, बट ब्लैक वाला एकदम कम्प्लीटली आपका परफेक्ट कलर आ रहा है। तो हम कलर को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं। ओपन करने के लिए पावर केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसके चार स्क्रू होते हैं, इसको ओपन कर लेंगे। दो यहाँ पर आगे की तरफ भी होते हैं और दो पीछे भी होते हैं। फिर इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ पर डिस्प्ले की केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे और साथ साथ सीसीडी केबल को भी डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद अब प्रिंटर को हम कंप्लीट चेक करते हैं। जैसे कि आप पाइप में देख सकते हो, पाइप में बहुत ज़्यादा एयर आ रखी है, जिस कारण हमारा प्रिंटर कंप्लीट कलर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। अब एयर निकालने के लिए आप इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो निडल होती है, बट उससे आपकी परफेक्ट एयर नहीं निकलती। एचपी के प्रिंटरों के लिए स्पेशल परफेक्ट एयर निकालने के लिए इसके अंदर होता है एयर रिमूवर। ये आपकी एयर को कम्प्लीटली परफेक्ट तरीके से निकालता है। एयर निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसको प्रेस करना पड़ेगा नीचे की साइड। प्रेस करने के बाद इसको आप हल्का सा ऊपर उठाओगे, उठाने के बाद आप इसको ऐसे डिस्कनेक्ट कर लोगे। फिर उसके बाद आपको ये एयर रिमूवर को प्रेस करके ये आपको एक एक दो तीन चार, ये आपको चार नोज़ल दिख जाएंगे। नोज़ल के अंदर आपको ये एयर रिमूवर को एकदम परफेक्टली कनेक्ट करना है। अगर आप एयर रिमूवर को परफेक्ट कनेक्ट नहीं करोगे तो एयर प्रॉपरली नहीं निकलेगी। अब आप देख सकते हो पाइप के अंदर से एयर निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। ये जितनी भी एयर होगी, कोई भी पाइप के अंदर, सियान, मजंटा, येलो, ब्लैक, वो सारी की सारी एयर आ जाएगी एयर रिमूवर के अंदर, जिस कारण हमारा हेड तक कंप्लीट इंक पहुँचेगी और हमारा प्रिंट एकदम परफेक्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको लगाने के बाद आप इसको हल्का हल्का सा खींच लोगे। अब इसको हम निकाल के दोबारा से इसको कनेक्ट कर देंगे।
कनेक्ट के साथ आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, इसके अंदर स्प्रिंग लगा रखी होती है जो आपको एकदम परफेक्टली इस सेंटर लॉक पर लगानी होती है। इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ऐड करने के साथ हम स्प्रिंग को भी इसमें जोड़ लेंगे, फिर हम इसको प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हो जैसे हम इसको लॉक को एकदम कम्प्लीटली प्रेस करते हैं थोड़ी बहुत एयर आ जाती है जो हमारे प्रिंट के दौरान पर कम्प्लीटली निकल जाएगी, तो थोड़ी बहुत एयर आएगी ही आएगी आपकी। फिर उसके बाद हम इसको दोबारा पैक करते हैं। फिर हम डिस्प्ले की और सीसीडी की केबल को कनेक्ट करते हैं। प्रिंटर के अंदर पावर केबल लगा के दोबारा चेक करेंगे कि हमारा प्रिंटर परफेक्ट अब कलर प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। अब प्रिंटर के अंदर पावर केबल लगा दिए, प्रिंटर अब मूवमेंट करना स्टार्ट हो चुका है। जो कैरिज है जहाँ से हमने इंक को निकाला है उसके ऊपर एक हल्का सा ब्लू कलर का आपने कवर देखा होगा, उसके जस्ट नीचे कैरिज होती है। पावर केबल लगाने के बाद वो मूवमेंट करना स्टार्ट करती है। अब हम दोबारा इसका अलाइनमेंट पेज निकाल लेते हैं। पावर बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करेंगे, फिर कैंसिल बटन को प्रेस करेंगे, फिर कैंसिल को छोड़ेंगे, फिर एंड में पावर बटन को छोड़ेंगे। फिर पावर बटन जो है आपका ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुका हो जाएगा, तो आपका पेपर इन होने लगेगा। धीरे धीरे अगर किसी भी पाइप के अंदर कलर के अंदर प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि हम कंप्लीट एयर को चेक करें या हम हेड के नोज़ल को देखें। अब आप देख सकते हो सियान के अंदर थोड़ा बेटर हो गया है, मजेंटा के अंदर थोड़ा बेटर हो गया है। हम एक दो बार अलाइनमेंट पेज और निकालेंगे और साथ साथ एयर को भी बार बार चेक करते रहेंगे। अब आप देख सकते हो सियान मजेंटा, पहले जो कलर आ रहा था वो था आपका सियान के अंदर ज़्यादा लाइन थी, मजेंटा में भी लाइन थी, येलो कम था, थोड़ा सा बेटर हुआ है, बिल्कुल लाइटली थोड़ा सा बेटर हुआ है। अब हम इसको और भी ज़्यादा बेटर करने के लिए हमने पाइप की एयर निकाल ली है, अब हम एयर निकालेंगे हेड की। हेड की एयर निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी पावर केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद हम डोर को ओपन करेंगे, फिर हम ये हमारी कैरिज होती है, कैरिज के अंदर आपके दो हेड होते हैं कलर वाला एंड ब्लैक वाला। इसको हल्का सा नीचे प्रेस करके फिर हम इसके कलर वाले हेड में दिक्कत है तो हम कलर वाले हेड को ऐसे ईजिली निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हमने पाइप की एयर तो कंप्लीट निकाल ली है, बट हम इसको क्लीन करने के लिए और इसकी एयर निकालने के लिए हमारे पास एक किट होनी चाहिए जिसको बोलते हैं एयर किट, जो हेड की एयर परफेक्ट निकालती है। अब ये अलग अलग किटें होती हैं, आपको कलर का हेड की निकालनी है तो आपकी अलग किट होगी, ब्लैक की हेड की निकालनी है तो आपको अलग किट होगी, क्योंकि इसके अंदर जो नोज़ल का साइज़ होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो कलर वाला हेड है उसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है बट चौड़ाई में ज़्यादा होता है, और जो ब्लैक वाला है वो आपका साइज़ में काफ़ी बड़ा मिलेगा आपको। अब इसकी एयर निकालने के लिए आपके पास एक होना चाहिए इंजेक्शन। अब आप इस हेड को इसके अंदर ऐसे कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने के बाद इसके नीचे आप इसको ऐसे लगा के फिर इसको आप इसको खींचोगे तो जो भी एयर होगी, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो खाली नीडल आ रही है ये इसके अंदर एयर है, एयर के कारण ये हमारा कंप्लीट कलर को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। हमने एयर निकाल ली है, अब उसके बाद हम नोज़ल, ये आप देख सकते हो ये एयर के कारण ही हो रहा है। अब हम नोज़ल को कंप्लीट साफ़ करेंगे, नोज़ल को कंप्लीट साफ़ करके हम चेक करते हैं कि हमारा कोई कलर मिसमैच तो नहीं है। अब आप देख सकते हो नोज़ल को साफ़ करने के बाद बीच सेंटर के अंदर आपका मजेंटा कलर है, राइट साइड में आपका येलो कलर है, लेफ्ट साइड में आपका सियान कलर है। इसको अच्छे से साफ़ करेंगे,
येलो हमारा कलर है बट बहुत ज्यादा कम है, देख सकते हो आप। धीरे धीरे आपको तीनों कलर देखने को मिल जाएंगे, येलो, मजेंटा और सियान। अब इसके बाद हम इसको कंप्लीट साफ करने के बाद हम इसको दोबारा इसके अंदर सेट कर देते हैं प्रॉपरली। सेट करके परफेक्ट जो हमने लॉक को खोला था उसको दोबारा प्रेस करके एकदम फिट टाइट कर देंगे ताकि हेड के अंदर दोबारा एयर ना आए। फिर हम डोर को बंद करेंगे, फिर उसके बाद हम पावर केबल लगा के इसको दोबारा से चेक करते हैं। मूवमेंट हो चुका है, अब हम दोबारा इसका अलाइनमेंट पेज निकालने के लिए हम पावर बटन को दबाएंगे, फिर कैंसिल को छोड़ेंगे और एंड में पावर को। जैसे पावर वाली लाइट ब्लिंक स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब जो आपने अलाइनमेंट पेज दिया है उसकी कमांड एकदम परफेक्ट है। बहुत बार होता है अलाइनमेंट पेज की कमांड देते टाइम कि आपका प्रिंटर भी ऑफ हो जाता है। अब आप देख सकते हो सियान कलर, मजंटा कलर और येलो कलर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रिंट स्टार्ट कर देंगे, प्रिंट चलाया करेंगे, रोज निकालेंगे प्रिंट, तो इंकजेट प्रिंटर के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर आप 3 दिन 4 दिन आप नहीं चलाते तो पाइप में एयर आ जाने के कारण या तो फिर जो आपका हेड होता है उसके नोज़ल आपके ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक होने के कारण आपके कलर आने के अंदर प्रॉब्लम होती है। अब परफेक्टली कलर नहीं आते तो हमारी प्रिंटिंग के अंदर मिसमैच कलर की प्रॉब्लम आती है। ये आप देख सकते हो, ये हमने पहले अलाइनमेंट फर्स्ट अलाइनमेंट पेज निकाला था तो इसके अंदर हमारा येलो कलर बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, ब्लैक परफेक्ट था, सियान मजंटा भी थोड़ी लाइन थी। इसके अंदर आप देख सकते हो येलो कलर आने लग गया है और मजंटा और सियान के अंदर भी थोड़ी थोड़ी लाइन आ रही है, जिसको हम कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो हमारी लाइन एकदम परफेक्ट हटके जैसे ब्लैक प्रिंट आ रखी है एकदम ऐसे हो जाएगी, प्रिंटर हमारा कंप्लीट एकदम परफेक्ट चलने लग जाएगा। ऐसी कोई भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के अंदर आके आप इसके अंदर आप बहुत सारे कोर्स भी कर सकते हो, प्रिंटर से रिलेटेड और लैपटॉप से रिलेटेड, ई व्हीकल से रिलेटेड, एसी मैकेनिकल से रिलेटेड, ये सारे आप कोर्स कर सकते हो। और आपको कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है, कोई डाउट है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हो। थैंक यू।